नागरिकता संशोधन कानून का लगातार विरोध कर रहे जेडीयू नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दे दिया। सीएए पर जेडीयू के स्टैंड के खिलाफ प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। वो विद्वान व्यक्ति है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। साथ ही कहा कि जिसे जहाँ जाना है चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं। उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब की इज्जत करते हैं, जान लीजिए। विद्वान व्यक्ति है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, भले ही वो हम लोगों की इज्जत न करे। ये उनका अपना निर्णय है, जहाँ जाना हो वहाँ जाए, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। जनता दल यूनाइटेड बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करती है और कुछ चीज़ों पर हम लोगों का जो स्टैंड होता है बहुत साफ होता है। एक भी चीज़ के बारे में हम लोग किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहते। लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है तो आकर के विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उसके लिए अगर वो जरूरी समझे तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, आप खुद देख लीजिए, ये कोई आश्चर्य की बात है। किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे, अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे? ये सब कोई तरीका है? तो इन बातों को छोड़ दीजिए, मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाएं। मेरी शुभकामना। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया के बाद पवन वर्मा ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के इस कथन का स्वागत करता हूं कि पार्टी के भीतर चर्चा के लिए जगह है। जैसा कि मैंने उनसे पूछा था, मेरा कभी उन्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं चाहता हूं कि पार्टी में वैचारिक स्पष्टता हो। मैं अपने पत्र के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जवाब के बाद भविष्य को लेकर कोई कदम उठाऊंगा। न्यूज डेस्क।